इतनी सी बात के लिए इतना वायलेंस? मेरी यही प्रॉब्लम है सर, मारता ज्यादा हूं गिनता कम, गिनकर मारने के लिए ये कोई डाइटिंग थोड़ी है, फाइटिंग है। पुष्पा राज के गेटअप का किस फेमस क्रिकेटर का मॉब लुक आजकल ट्रेंडिंग पर है, और क्या है अल्लू अर्जुन की थगड़े ले की मेंटालिटी? क्या फिल्म पुष्पा भी एक टू पार्ट फिल्म होने जा रही है? इंडिया में सिर्फ दो ही चीजें हैं जो तेजी से बिकती है और कब से ब्लॉकबस्टर है, जिसमें एक है क्रिकेट और दूसरा है सिनेमा, और इन दोनों के बीच हमेशा क्रॉसओवर देखने को मिलती है। फिर चाहे वो बात हो अश्विन की ऑन फील्ड विजय थालापति का वाथी कमिंग वाला शोल्डर ड्रॉप करना, या फिर डेविड वार्नर का बुट्टा बॉम्बे पे चकाचक डांस वीडियो। और आजकल जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आईपीएल का सीजन सभी के सर चढ़कर बोल रहा है, तो वही बन्नी की पुष्पा भी यूट्यूब पर आग लगाए बैठी है। ऐसे में स्टार स्पोर्ट्स तेलुगु के कंटेंट क्रिएटर के दिमाग में आया एक कमाल का आइडिया, और इन्होंने किंग खोली और पुष्पा राज का एक कमाल का क्रॉसओवर फोटोशॉप सोशल मीडिया पर शेयर किया। बता दें कि विराट कोहली की आरसीबी की टीम ने जब उस सीजन के ओपनर मैच को जीता तो स्टार स्पोर्ट्स तेलुगु ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें कि पुष्पा राज के कैरेक्टर पर विराट कोहली का फेस मैशअप किया गया है, और बीच में पुष्पा की मेन हाईलाइट थगड़े ले भी मेंशन्ड है। और इस नए पुष्पा राज को देखकर अल्लू अर्जुन भी काफी एक्साइटेड है, और उन्होंने कमेंट में इस लुक को थम्स अप से अप्रूव भी कर दिया है। स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की मच अवेटेड फिल्म पुष्पा ने आजकल अलग ही धूम मचा रखी है, और सिर्फ चंद दिनों में पुष्पा राज के इंट्रो वीडियो ने इंडियन सिनेमा के बड़े बड़े महारथियों के ट्रेजर को पछाड़ कर रख दिया है। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि ट्रेजर में अल्लू अर्जुन की जबरदस्त लुक और कमाल की लोकेशन के अलावा हमें सिर्फ दो ही वर्ड सुनने को मिला था, थगड़े ले। और आपको बता दें कि जब कभी भी अल्लू अर्जुन से इस मूवी के बारे में, इस मूवी के अपडेट्स के बारे में पूछा जाता है तो वह वही दो वर्ड्स को दोहरा देते हैं। वैसे दोस्तों इस रेडिडेंट वर्ड का हिंदी में रफली मीनिंग यही निकलता है कि कभी भी गिव अप न करना, और इस पर्टिकुलर वर्ड को अल्लू अर्जुन ने अपने लाइफ का मंत्र बना डाला है। और ट्रेजर के लॉन्च इवेंट में अल्लू अर्जुन ने अपने इसी मेंटालिटी को रिवील करते हुए कहा कि उनके लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए वे अपने आप को हमेशा ये यकीन दिलाते रहते हैं कि बॉस ये तो कुछ भी नहीं है, डोंट गिव अप एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। तो बेसिकली थगड़े ले के बॉलीवुड में देखा जाए तो अपना थ्री इडियट्स का फेमस डायलॉग ऑल इज वेल निकलता है। तो जब कभी भी लाइफ में इनसिक्योरिटी आ रही हो तो दिल पर हाथ रखो और कहो थगड़े ले, ऑल इज वेल। आगे बढ़ते हैं ऐसे अपडेट्स की तरफ जिसको सुनकर पुष्पा के फैंस का रोम रोम खिलखिला उठेगा। दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में जब पुष्पा ने अपने रिलीज डेट को पोस्टपोन किया था तो फैंस ने इस बात पर नाराजगी जताई थी। वे सभी यही कह रहे थे कि इतना लंबा इंतजार कैसे कटेगा एक एक पल। लेकिन खुशी की बात ये है कि अब पुष्पा के डायरेक्टर सुकुमार इसे दो पार्ट्स का प्रोजेक्ट बनाने की सोच रहे हैं। सोर्सेस के अकॉर्डिंग सुकुमार के पास पुष्पा की ऐसी कमाल की स्टोरी है जिसे ड्रामेटिक और सस्पेंस से भरा इन देकर सेकंड पार्ट के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। और आजकल ट्रेंड भी कुछ ऐसा ही चल रहा है जहां हर फिल्म मेकर लंबा खेल खेलने की सोच रहे हैं और पार्ट्स में अपनी स्टोरी को प्लान किए जा रहे हैं। और ऐसे में पुष्पा राज जिसका ट्रेजर ही कई सारे रिकॉर्डों को तोड़ चुका है वो दो पार्ट्स में रिलीज होगी तो खलबली ही मचा देगी। वैसे दोस्तों इस बारे में आपका क्या कहना है ये हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।